अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हसन। आप लोग सलमान हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला गया, शानदार आगाज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओडीआई में अगेन, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर आजम की कप्तानी में 13वां ओडीआई मैच जीत लिया। शानदार कप्तानी किया बाबर आजम ने इस ओडीआई मैच में नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में। और आज पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग बॉलिंग का फैसला किया। 255 रन बनाए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल और टॉम लेथम ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की। माइकल ब्रेसवेल ने 43 रन बनाए और टॉम लेथम ने 42 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से 10 ओवर में 57 रन देकर नसीम शाह ने 5 विकेटें हासिल की। शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही नसीम शाह की। नसीम शाह ने 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 8 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 10 ओवर्स किए, 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। उसामा मीर, जिनका आज के मैच में डेब्यू हुआ, डेब्यू पे शानदार बॉलिंग की, 10 ओवर्स किए, 42 रन दिए, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगर ने 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। आज हारिस रऊफ को बहुत मार पाई, हारिस रऊफ ने आज 8 ओवर में 54 रन दिए और कोई विकेट हारिस रऊफ को हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान की बैटिंग की जब आवाज हुई तो इमामुल हक आज जल्दी आउट हो गए 12 रन बनाकर। 30 रन पर पाकिस्तान को पहली विकेट का झटका हुआ, लेकिन आज फखर जमान ने शानदार कमबैक किया। वनडे क्रिकेट में 56 रन बनाए, 74 बॉल्स का सामना किया। बाबर आजम ने 63 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान, जिन पर ड्यू थी बड़ी इनिंग, शानदार बैटिंग की, नॉट आउट रहे आखिर में। 86 बॉल पर 77 रन बनाए हारिस सोहेल, जिनका बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वाइट बॉल स्क्वाड में, वाइट बॉल प्लेइंग 11 में कमबैक हुआ। उन्होंने आज तेज बैटिंग की, 23 बॉलों पर 32 रन बनाए नंबर 5 पर आकर। और उनके अलावा आगा सलमान ने भी अच्छा फिनिश किया, छक्का लगाकर उन्होंने पाकिस्तान की जो नैया है उसको पार लगाया। ओवरऑल बाबर आजम की आज कप्तानी शानदार नजर आई। आज बाबर आजम ने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक लिया, ओपनिंग से लेकर मिडल ऑर्डर तक। नंबर 4 पे रिजवान ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा रिजवान को मैं समझता हूँ कि अपनी जो स्ट्राइक रेट है उस पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन जो उन्होंने आखिर में कम बैक किया स्ट्राइक रेट के हवाले से वो बहुत शानदार था। हारिस सोहेल का कम बैक बहुत शानदार था। हारिस सोहेल का अगर आप मैं आपको 11 मैचेस का अगेंस्ट न्यूजीलैंड रिकॉर्ड बताऊँ, आज की इनिंग से पहले 11 ओडीआई में 502 रन हारिस सोहेल ने बनाए थे, 650 उनका इस ओडीआई क्रिकेट में था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसमें 85 उनका 85 हाई स्कोर था। आज की इनिंग अगर उनकी ऐड कर दें 32 तो 537 रन बनाई हैं, 534 रन बनाई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हारिस सोहेल ने वही शानदार क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान की आज बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, उसामा मीर ने शानदार बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बुरी बॉलिंग की, उनको आखिर में मार भी काफी पड़ी। आगर ये सलमान ने अच्छी बॉलिंग की और नसीम शाह ने भी शानदार बॉलिंग की। अगला मैच पाकिस्तान का खेला जाएगा 11 जनवरी को, और पाकिस्तान को उस मैच में कुछ एक दो चेंजेस करने की जरूरत है। शाम मसूद को भी आई थिंक चांस देना चाहिए, लेकिन आज जो हारिस सोहेल ने इनिंग खेली है, मेरा नहीं ख्याल कि शाम मसूद को अभी फिलहाल चांस मिलना चाहिए। तैयब ताहिर भी बेंच पे है, शाहनवाज अली दहानी है। अगले मैच में मेरा ख्याल है जहां तक हारिस रऊफ की जगह अगर शाहनवाज अली दहानी को चांस मिलता है तो वो एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितना खुश हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।